इसके अलावा जो है एक जनरल सी रेमेडीज है मंगल की, कि अगर जो है आपको किसी को आपके पास मान लो कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा उतारना है, तो आप ट्यूसडे को ही कर्जा उतारिए। कोई किसी के इंस्टॉलमेंट चल रही है किसी भी चीज़ की, या किसी को आपको ट्रांसफर करना है अपना मनी जो है कर्जे के रूप में, कर्जे का पैसा जो है, नहीं, ये पॉजिटिव मंगल पॉजिटिव वाले के नेगेटिव नेगेटिव नहीं, वाले। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये एक रूल है, अच्छा, ये थंब रूल है इसका। कर्ज चुकाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ये कर सकते हैं। मान लो किसी का मंथली पेमेंट जाता है, आजकल जैसे बैंकों के अधिकतर कोई हाउस लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल्स लोन ले रखा है, वो कोशिश करें कि ट्यूसडे के ट्यूसडे जाता है, हर मंथली ट्यूसडे को आप पे करें, तो आप देखेंगे जल्दी आपका जो है रिमूव हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी मतलब जल्दी से मतलब क्या, मान लो 5 साल की कोई किस्त है तो वो तो 5 साल में ही जाएगी, लेकिन उसके रास्ते बंद नहीं होंगे, स्मूथली इजीली होगा, इजीली होगा। दे दोगे उसे। और किसी से आपने पैसा लोन पे ले रखा है, ब्याज पे पैसा ले रखा है, तो वो तो जल्दी आपका रिमूव हो ही जाएगा। एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप ट्यूसडे को करिए, अगर ट्यूसडे को ना पॉसिबल हो तो सैटरडे को भी कर सकते हैं, ट्यूसडे नंबर वन है। अच्छा, ये मतलब हर मंगल नेगेटिव है और मंगल पॉजिटिव है, तो ये तो हाँ, ये हर मंगल के सबके लिए हो गया। सबके लिए है ये। और किसी का यदि मंगल जो है अगर डाउन है, मतलब डोनेट करना है उसे कुछ, तो वो जो है जो चपाती होती है, रोटी होती है, और या फिर ब्रेड, मीठी ब्रेड कह लो, या फिर चपाती हम लेते हैं तो उस पे जो है कुछ शुगर रख के मीठी रोटी देनी है, मतलब कुल मिला के मीठी रोटी देनी है, और उसको जो है कुत्तों को दें कम से कम 43 डेज रेगुलर, ट्यूसडे से स्टार्ट करके कंटिन्यू मैडम, 43 डेज। हाँ, डॉगी मीठी रोटी खाते ही नहीं है। खाते नहीं, खाते हैं, खाते हैं, हर एक चीज खाते खाते हैं, हैं, बहुत आराम से खाते खाते हैं। हैं, खाते हैं। आप जो उस है, हाँ बोलो। या तो मैडम उस पे मैं मलाई लगा के तब खिलाती हूँ उनको, पता नहीं क्या कुछ और ना गाय खा के कुछ आजकल मीठा ये पता होती है है क्या उसको होता कुछ। है, ये क्या हाँ होता है, जी, हाँ ये जी, होता है कि ये जो कुत्तों को और गायों को जो दान किया जाता है ना, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो तो वो हाँ सुखा जी। एक्सेप्ट भी नहीं करते। अच्छा आप एक बार डालिए, दो बार डालिए, 3 बार डालिए, फिर वो खाने लग अच्छा जाएगा। और मीठी रोटी कैसे बनानी है, मीठी रोटी ऐसे बनानी है जैसे चीनी का हम पराठा बनाते हैं, वो कर लीजिए जी, है, रोटी बेल के उसके अंदर चीनी डाल के जैसे पहले बच्चों के लिए बनता था, छोटे बच्चों के लिए ऐसा पराठा बनाइए घी का, ऐसा नहीं कि ऊपर चीनी रख के दे दो, वो कम खाएंगे। खीर रखी हो, खीर खा लेंगे, इन्हें आटे में ही डाल देते हैं ना, आटे में आटे डाल गो के गूंदते हुए उसमें गुड़ डाल गुड़ देते हैं। डाल के बना लो, गुड़ का जो है वो लेके हाँ पानी जी, बना के गुड़ का पिघाल के उसे हाँ डाल, जी, हाँ जी। मार लो थोड़ा सा आटा, ऐसे कर लो। अच्छा, वो तो पूड़े में लोग बन जाते, आजकल तो पूड़े में बन जाते। मीठी ब्रेड आती है आजकल तो, वो लियो उसे डाल दो, 43 डेज रेगुलर करो, बहुत अच्छा काम करता है ये। आटे के बिस्कुट भी आते हैं मीठे। आटे के मीठे मीठे बिस्कुट भी आते हैं, और यदि तंदूर में ये रोटी सिक जाए हाँ और जी, हाँ, तब उसे खिलाओ तो और सोने पे सुहागा है। बिस्किट तो खा लेते हैं, पार्ले जी वाले भी हाँ, होते हैं। बिस्किट खा लेते हैं ये। और इसके अलावा जो है अपनी किचन जो है डेली इन्हें मतलब स्पेशली रात के टाइम किचन जरूर साफ रखें, मंगल वालों के लिए है ये, क्योंकि मंगल वालों का जिनका मंगल खराब होगा उनकी किचन अधिकतर रात के टाइम जरूर गंदी रहेगी। गंदी से मतलब क्या है कि बर्तन मान लो खा लिया उसके बाद बर्तन सुबह धो लेंगे, ऐसी टेंडेंसी रहती है माइंड में, तो वो क्लीन करके सोएं। इसके बाद गुरु पे कुछ चलिए,